मोदी जी प्रधानमंत्री जो कर्ज दिया है वो महिला लड़ाई पीड़ित है, बैंक वाला सता रहे हैं, किसानों का कर्जा पूरा माफ नहीं कर रहा है, कांग्रेस वाला कर्जा माफ करेंगे। 2014 में बनारस के चुनाव में यही डमरू था और भक्त बनकर के गलियों में मैं ही घूमता था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले 15 दिन से घूम रहा हूँ और मोदी जी का घर घर जोहार पहुँचा रहा हूँ, नमस्कार कर भिजवा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो छत्तीसगढ़ में आखिरी चुनावी सभा को संबोधित किया और आखिरी चुनाव सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने महासमुंद के में जो सभा हुई वहाँ पर जो तमाम लोग आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, जो पूरे पंडाल में लोग जो बैठे थे, 3 रूम में बैठे हुए थे, उन लोगों से जनता से अपील की कि उनके संदेश को, उनका पर्सनल काम जो है वो करेंगे क्या, ये पहले पूछा और फिर अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल काम ये है कि वो जब सभा खत्म होने के बाद अपने घर जाएं तो वहाँ पर जो घर के हर वर्ग के लोगों से मिले और हर वर्ग से लोगों से मिलकर ये कहें कि मोदी जी ने जय जोहार कहा है। तो ये मोदी जी का एक अलग अंदाज होता है, उस अंदाज में भी आज उन्होंने महासमुंद की जनता को प्रभावित करने की यहाँ पर कोशिश की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वे सभा के बाद घर घर जाएँ और जिस तरह से प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर आ रही है उसी तरह की जीत को दूसरे चरण के चुनाव में भी जीत को पक्की करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थी उसको लेकर हर वर्ग के पास जाएं, महिलाओं के पास जाएं, युवाओं के पास जाएं, आदिवासी वर्ग के पास जाएं, अनुसूचित जाति वर्ग के पास जाएं, युवाओं के पास जाएं और किसानों के पास जाएं और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनके तक पहुँचाएं और प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है और प्रदेश सरकार जो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो अड़ंगा डाल रही है उसकी जानकारी यहाँ पर दे। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि मोदी जब आते हैं तो उनके दीवानगी जो होती है, उनके प्रति जो लोगों का लगाव होता है उसकी भी झलक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक जो 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, शायद ये मेरे ख्याल से अभी वोट भी नहीं डालते होंगे, आप लोग मतदाता भी नहीं है, मगर वो मोदी की सभा में यहाँ पर आए हैं और आप देख रहे हैं कि मोदी का जैकेट पहने हुए हैं, मोदी बाकायदा अभिवादन करते उसको हाथ में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का जैकेट यहाँ पर पहन के आए हैं। क्या आप लोग मतदाता हैं? नहीं, अभी तक नहीं डाले वोट? नहीं। मोदी जी अच्छे लगते हैं बहुत। जैकेट कौन दिया, भाजपा वाले दिए कि खुद बनवाए? नहीं, भाजपा वाले ही दिए। मोदी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी कि वो हमारे देश के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश के लिए। अच्छा बताओ, मोदी जी ने आप लोगों से अपील की है कि सभा के बाद जाना, हर वर्ग के लोगों से मिलना और सबको जाके बोलना कि मोदी जी आप लोगों को जय जोहार किया, तो जाओगे सबसे मिलोगे बोलोगे? हाँ बोलेंगे जी। हाँ आप बोलोगे? जी बिल्कुल। आप भी मोदी जी बोले हैं सब जगह जाना है और बिल्कुल बोलेंगे जाके। मोदी जी के भाषण में क्या सबसे अच्छी चीज लगी आपको? अरे महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देगा, 10 माह का होता है, 12 महीने का होता है, 12,000 रुपये देगा। भैया जी 20 वाला आपको पहचानता हूँ, महासमुंद में देखा हूँ, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री जो कर्ज दिया है वो महिला लड़ाई पीड़ित है, बैंक वाला सता रहे हैं, किसानों का कर्जा पूरा माफ नहीं कर रहा है, कांग्रेस वाला कर्जा माफ करेंगे। अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को किसानों का कर्जा भी माफ करना चाहिए, ये बोल रहा है। हमारे साथ ये जो मोदी के हमशक्ल है यहाँ पे भी पहुँचे हुए हैं और ये जो हैं जहाँ जहाँ मोदी की सभा होती है वहाँ पर पहुँचते हैं और इस बार तो बाकायदा ये नमो नमो का डमरू भी लेके आए, बजाइए तो कैसे बजाते हैं? तो आप देख रहे हैं कि नमो नमो का डमरू भी यहाँ पर बज रहा है और ये एक विशेष आकर्षण कर रहते हैं मोदी की सभा में और आज भी उन्हीं के समान भेष बनकर आए हैं। मोदी जी ने अभी हम आपको बताते हैं कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर जो है वो अब यहाँ से उड़ रहा है और यहाँ के पब्लिक में जागरूकता यहाँ पर नहीं जा रहा है। मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? एक दूसरा, आप मोदी जी के भेष में गेटअप में कब से हैं? 2014 में बनारस के चुनाव में यही डमरू था और भक्त बनकर के गलियों में मैं ही घूमता था। तो मोदी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो आप उनका गेटअप धारण कर लिए? मोदी जी मोदी हैं तो मुमकिन है और मोदी जी के द्वारा कही गई हर बात गारंटी है। छत्तीसगढ़ में क्या माहौल नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले 15 दिन से घूम रहा हूं और मोदी जी का घर घर जोहार पहुंचा रहा हूं, नमस्कार कर भिजवा रहा हूं, राम राम कह रहा हूं।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आज जहाँ पे मोदी की सभा में जितने लोग यहाँ मौजूद थे सब एक तरह से लेकर जा रहे हैं मोदी जी को, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो घर घर जाएंगे, हर वर्ग के लोगों से मिलेंगे और मोदी जी का जय जोहार है वो वहाँ पहुँचाएंगे। हम लोगों से बात करते हैं, मोदी जी का जय जोहार घर तक पहुँचाओगे जाके? पहुँचाएंगे जरूर, घर घर जाके पहुँचाएंगे। क्या चीज़ अच्छी लगी मोदी जी में, क्या चीज़ सबसे बढ़िया लगा? सब चीज़ अच्छा है सर, सब और लोकल फॉर वोकल, लोकल आदमी लोकल सामान खरीदो, लोकल आदमी को फायदा पहुँचाओ। किसानों का कर्ज माफ, ये बिल्कुल ये हमारे थ्रू ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों का कर्ज माफ करने के मामले में भी सोचना चाहिए, कुछ घोषणा करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी के जाने के बाद एक उत्साह का माहौल बन जाता है कार्यकर्ताओं में, और आज महासमुंद में उनके जाने के बाद, उनके सभा के बाद महासमुंद के क्षेत्रों में भी एक उत्साह का माहौल देख रहा है। अब देखना यह होगा कि ये उत्साह का माहौल किस तरह से द्वितीय चरण के चुनाव में वोट में तब्दील होता है, और क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि प्रदेश से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, वो उनका दावा सही साबित होता है कि नहीं होता है। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमको ये सुझाव देते रहें, और आप मुझे और मेरे कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।